हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में हम साइकोलॉजी की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी साइकोलॉजी की वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है, ये सब आपको वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा। फ्रेंड, ये वैकेंसी एनसीईआरटी की तरफ से आई है, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी आगे इंक्रीज हो जाएगी। पहली पोस्ट है सीनियर कंसल्टेंट एकेडमिक की, या के टोटल 6 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी 60,000 पर मंथ मिलेगी। अभी देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। फॉर्म भरते वक्त आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन साइंस, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, और आपको कम से कम 55% मार्क होने चाहिए और आपकी डिग्री यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके साथ आपके पास होना चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिसर्च, करिकुलम डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, टीचर एजुकेशन। बाकी बीएड, एमएड, पीएचडी, एमफिल ये डिजायरेबल में, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास होगा तो बेनिफिशियल रहेगा। सेकंड पोस्ट है कंसल्टेंट एकेडमिक की, यहाँ पे टोटल 29 पोस्ट है और आपको यहाँ पे सैलरी मिलेंगी 45,000 पर मंथ। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन साइंस, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, और ये आपकी डिग्री यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और आपको कम से कम 55% होनी चाहिए। इसके साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, करिकुलम डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग, होल्डिंग, कंसल्टेशन। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलोशिप, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है 12 है और आपको यहाँ पे सैलरी मिलेंगी 25,000। अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आपको 25,000 मिलेंगी, अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपको 23,000 मिलेगी। पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन साइंस, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, और आपकी डिग्री यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और आपको कम से कम 55% मार्क होना चाहिए। और अगर आप एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी से हो तो आपको 50% मार्क होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपकी एज 40 ईयर से कम होनी चाहिए। एससी एसटी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। फ्रेंड, अभी देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। हर एक पोस्ट के सामने गूगल लिंक दी हुई है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको ईमेल लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपने फादर, हस्बैंड, गार्डियन नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आपकी कौन सी कैटेगरी है वो लिखना है, और मास्टर डिग्री में कौन सा सब्जेक्ट है वो लिखना है, आपको मास्टर डिग्री में कितने परसेंटेज मिले, कब पास हुए, अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है बीएड, एमएड, एमफिल का तो आपको यहाँ पे लिखना है, आप नेट क्वालिफाइड हो तो आपको यस और नो लिखना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है वो लिखना है। यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, नेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, इन सब का पीडीएफ बनाना है और यहाँ पे अटैच करना है, और ये सारे डॉक्यूमेंट एक ही पीडीएफ में होने चाहिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको यह फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जनवरी है। जो भी स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे होगा। इंटरव्यू कैसे होगा ये आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। गूगल फॉर्म फिल करते वक्त आपको सारे इंफॉर्मेशन सही से फिल करना है, डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इस फॉर्म की प्रिंट निकालनी है और इंटरव्यू के टाइम लेके जाना है। फॉर्म पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सर्टिफिकेट, ये सब अटैच करना है। फ्रेंड, अच्छी वैकेंसी है, फॉर्म फिल कर देना। फॉर्म फिल करते वक्त इंस्ट्रक्शन एक बार अच्छे से पढ़ लेना। पीडीएफ की लिंक
डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बस इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए। ऐसे ही लेटेस्ट साइकोलॉजी जॉब वैकेंसी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।